नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आज का एपिसोड बहुत शानदार होने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग को अक्सर ये माना जाता है कि ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है। आज आप एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने वाले हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MBBS कर रहे थे और MBBS करते हुए उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को न केवल मात्र ज्वाइन किया, अभी तो एक बड़ा डिसीजन लिया उन्होंने, MBBS को ड्रॉप करके एक जनरल कोर्स में एडमिशन लिया और फुल टाइम उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग करना स्टार्ट किया। आज के इस एपिसोड में आप ये जानेंगे कि 6 साल में 10 लाख लोगों की टीम को कैसे बनाया जा सकता है और किस तरीके से आप प्लान दिखाएं, तो बहुत शानदार होने वाला है, मिस मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिन लीडर्स को आप रिकमेंड करते हैं, हम प्रयास करते हैं उनसे संपर्क किया जाए और उनको आपके सामने उपस्थित किया जाए। डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत सारे यूथ को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। हम बहुत दिनों से उनके संपर्क में थे और आज हमारे मेहमान हैं। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं अमित दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है अमित सर आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग की, आज बोला जाए तो एकमात्र प्लेटफॉर्म है ये चैट विद सुरेंद्र वत्स, ऐसे शानदार प्लेटफॉर्म में मुझे आने का मौका दिया और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके बीच में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को तो आज भी डायरेक्ट सेलिंग का एक स्टूडेंट मानता हूँ और मैं आज आपके बीच में बैठा हुआ हूँ। तो इंटरव्यू सर आज आप ले रहे हैं, लेकिन मैं भी आज आपसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सर। आप बहुत बिजी रहते हैं, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं आप और हमारे रडार पे कोई आ जाता है तो फिर हम छोड़ते नहीं उसको। थैंक यू सो मच टाइम स्पेयर करने के लिए। हम लोग आगे बढ़े सर, आपका कमिंग सून का हमने इंटरव्यू डाला था तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी हैं। आई थिंक लगभग 300 लोगों ने नीचे कॉमेंट किया होगा, तो उसमें से कुछ मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। विश्वंभर विश्वकर्मा जी लिखते हैं, वेलकम टू महागुरु। दुर्गेश यादव ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के महानायक, ज्ञान के महासागर। सलोनी पटेल ने लिखा है, बहुत दिनों से इस मोमेंट का इंतजार था। चैंपियन भावना लिखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के रिकॉर्ड ब्रेकर। पीएन प्रजापति ने लिखा है, इस चैनल को काफी समय से आपका इंतजार था। आशीष कुमार ने लिखा है, नॉलेज के बादशाह। मोनू यादव ने लिखा है, आ रहे हैं क्रांतिवीर। पुष्पेंद्र शनी ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के ज्वालामुखी आ रहे हैं। और सुमंत मिश्रा ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के ऑलराउंडर का स्वागत है। इनमें से आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है कि हम मेरे नाम के साथ ये सेट बैठती है? चल सर, ये लोगों का प्यार है। मैं रियल में बताऊं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आज भी इस इंडस्ट्री का एक लर्नर हूँ। लोग प्यार देते हैं, हाँ मैं अपनी 100% कोशिश जरूर करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने सीखा है वो अपनी टीम को, अपने लोगों को दे सकूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में नॉर्मल लोग आते हैं और उनकी करियर बनाना एज ए लीडर ही हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उस पे चल रहे हैं। बाकी लोगों का प्यार है जो लोगों ने लिखा है, दैट्स ग्रेट। देखिए आप अपनी कंपनी में तो आपका बहुत बड़ा नाम है, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है जी, लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म की खास बात यही है कि यहाँ सभी इंडस्ट्री के लोग आते हैं सीखने के एटीट्यूड से। तो सबसे पहले आपका अब तक का सफर आप बताइए और उससे हमको सबक लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित दुबे, मैं बेसिकली रहने वाला हूँ झारखंड का, अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ बट मैं बेसिकली झारखंड से बिलोंग करता हूँ। झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है पलामू डिस्ट्रिक्ट और वहाँ एक छोटा सा गाँव है बसना और वहाँ एक छोटा सा कस्बा है बड़कावन जो कि बड़ा जंगल के एरिया में आता है, तो मेरी जन्म वही हुई है, मैं वही का रहने वाला हूँ। और बचपन में क्या था, हम लोग ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे एजुकेशन बहुत दूर दूर तक नहीं हुआ करता था। तो मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो हम लोग स्कूल जाने के लिए 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटा बच्चा बैग उठा के और 5 किलोमीटर पढ़ाई करने के लिए जाता, ऐसे माहौल मुझे मिला था। मेरे पिताजी एक किसान हैं तो गरीबी क्या होती है मैंने बहुत बखूबी देखा है, जिंदगी कैसे एडजस्ट किया जाता है ये सारी चीजों को हमने देखा है। लेकिन ऐसा था कि बचपन में मेरे पिताजी को पता नहीं क्या ऐसा आया, उन्होंने मुझे बचपन से एक चीज दिमाग में डाला था कि बेटा तुझे ना इस जगह से निकलना है, इस माहौल से निकलना है और उसके लिए तुझे पढ़ना पड़ेगा।
एक छोटे से मुझे लगता है 3-4 साल 5 साल के हम रहे होंगे तब से उन्होंने ये बात मुझे बोल दिया था कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो माइंड में एक ही चीज बढ़ा था कि अगर अपनी जिंदगी को सही बनाना है, जिंदगी सही क्या होती है उसमें बच्चे को नहीं पता होता है, तो पढ़ना पड़ेगा। और एक और चीज हुक किया था पिताजी ने मुझे कि तुझे टॉप करना पड़ेगा। तो मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैं फर्स्ट क्लास से लेके और आज तक ही करियर में कभी सेकंड नहीं आया हूं। क्या बात है, जबरदस्त। तो वहां से निकलने का अब क्या उपाय है, क्योंकि घर में इतने पैसे होते नहीं थे कि मैं बाहर शहर में जाके कोई अच्छी स्कूल के अंदर फीस दे के मैं पढ़ाई कर सकूं। तो मैंने उस समय सुना कि नवोदय विद्यालय करके एक संस्था है जो कि गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो मेरे पिताजी ने उसका फॉर्म भरवाया और बोला कि तू बता निकाल लेगा। मैंने बोला अगर जिंदगी बेहतरीन हो सकती है तो मैं 100% निकालूंगा। मैंने मेहनत किया और 6th क्लास में वहाँ एडमिशन होता है, मैंने 5th के अंदर एग्जाम क्रैक किया और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर आ गया। एक्चुअल मेरे लाइफ का अगर टर्निंग मोमेंट बोला जाए ना तो वही है। अच्छा, क्योंकि हमारे एरिया में मैक्सिमम लोग आपको जो है वो फौज के अंदर दिखाई देंगे, मतलब फिजिकल वर्क का जो भी काम उनसे करवा लो वो करते हैं, एजुकेशनल वर्क में लोग नहीं जाते थे उस समय। मैं पहला ऐसा मतलब बच्चा था अपने एरिया का जो एजुकेशन के अंदर कुछ करने के लिए बाहर निकला था। जेएनबी ने, जवाहर नवोदय विद्यालय ने मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने में किया। 6th से लेके मेरी 12th तक की एजुकेशन वही रही। मैं एज अगर स्टूडेंट बोलूं तो मैं ठीक ठाक स्टूडेंट था, मतलब मैं ऐसा स्टूडेंट था कि मेरी 95% से नीचे कभी नंबर नहीं आई और मैं क्लास में कभी आज तक सेकंड नहीं आया हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। मेरे पिताजी ऐसे स्ट्रिक्ट थे, वो मुझे बोलते थे कि बेटा अगर जिस दिन सेकंड आ गया ना भूल जाना 4 महीने के लिए कि मैं आऊंगा तुमसे मिलने। तो मैं डर से कभी सेकंड नहीं आता था, मैं बहुत मेहनत करता था। जवाहर नवोदय विद्यालय में मैंने काफी कुछ सीखा, क्या होती है लाइफ, क्या होती है दुनिया, जिंदगी को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, ये सारी चीजें वहां से मैंने सीखा। और एज ए स्टूडेंट मुझे समझ में आ रहा था कि अगर मुझे अच्छी करियर बनानी है, अच्छी नौकरी लेनी है या अच्छा करियर कहीं सेट करना है तो पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी में लेके चलना पड़ेगा। और मैंने जीवन में इस चीज को कभी नहीं भूला। बहुत अच्छे से मैंने अपनी एजुकेशन करी है, कोकरिकुलर एक्टिविटी। मुझे याद है 9th क्लास में मैंने इंटरनेशनल लेवल पे नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट किया था। अच्छा, मतलब एक 9th क्लास का बच्चा नेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मैं उस समय। और उस समय मैंने बहुत सारे कोकरिकुलर एक्टिविटी में, साइंस एग्जीबिशन में भी बहुत सारी चीजें हमने करी थी। अब 10th में मैंने टॉप किया, उस समय 10th में भी मेरे परसेंटेज 94-95 के करीब रहे थे। उस समय मैं डिस्ट्रिक्ट का टॉपर स्टूडेंट रहा था। जब मैं बाहर आया तो अब था करियर बनाना। अब हर बच्चे के सामने और खास करके जो नॉर्मल जगह से होते हैं दो चीजें आती है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। 10th के बाद वही दो ऑप्शन होते हैं। मेरे डैड चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं और मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा, बाहर जाके एजुकेशन लेने के मेरे पास पैसे नहीं थे कि भाई मैं कोटा जा सकूं, मैं बंसल में रह सकूं, तो क्या करना है। तो मैंने चूज किया कि मैं नवोदय विद्यालय में ही रहूंगा और मैं आगे की पढ़ाई करूंगा। तो मेरी 11th 12th पढ़ाई हुई जवाहर नवोदय विद्यालय लातेहार से, मैं दूसरे नवोदय के अंदर सॉफ्ट हुआ और वहीं से मैंने अपना एजुकेशन 11th 12th किया और मैंने तैयारी भी करनी शुरू की। और मेरा फोकस कभी डाइवर्ट नहीं हुआ जीवन में, मैं बड़ा फोकस रहा हूँ और बचपन से मैं स्पिरिचुअल रहा हूँ, तो मेरा कभी फोकस डाइवर्ट परमात्मा ने ही नहीं होने दिया। जब 12th क्रॉस किया तो मैं इंजीनियरिंग की भी एग्जाम निकाला था और मेडिकल की भी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट मेडिकल में था। तो मैंने 2011 के अंदर बाहर निकल के फिर MBBS के अंदर एडमिशन लिया। एक्चुअल में देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग का हुक मेरी जिंदगी में वही आया। अच्छा, मुझे जब आपने MBBS में एडमिशन लिया। हाँ, मैं एडमिशन लेने के लिए जा रहा था और डाल्टनगंज में मैं रुका हुआ था, मुझे जाना था। और उसी समय कोई एक इंसान आया और वो मेरे रिलेशन, मेरे किसी और रिश्तेदार को प्लान समझाने के लिए आया हुआ था और उसने मुझे बताया, उसने मुझे समझा दिया और उसने 2-3 चीज मेरे से बताई। उसमें मैं बच्चा था, 18.5 साल के करीब रहा हूँ मेरे ख्याल से। उसने 2 चीजें मुझे बताई कि एक बार अगर तू 10,000 का नेटवर्क बना देता है तेरी इनकम सेट हो जाएगी। और मैं बच्चा था, मैंने पूछा कि सही सही बताओ ऐसा होता है क्या। उसने बोला हाँ होता है। मैं बोला यार काम तो बड़ा अच्छा है, नेटवर्क ही तो बनाना है। और बच्चे को मुझे MLM नहीं पता था, डायरेक्ट सेलिंग नहीं पता था, केवल ये पता था कि इसमें लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना है। पहली हुक मुझे वो मिली थी। बट फिलहाल जब मैं एडमिशन ले लिया MBBS में तो मेरा फोकस हट गया, मैं डायरेक्ट सेलिंग में उतना ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में मुझे दोबारा डायरेक्ट सेलिंग का हुक मिला। अच्छा, और उस समय फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया कि यार ये चीज बार बार आ रही है, मतलब मैं जिन लोगों को देखा था उस समय वो लोग आज अचीवमेंट में देख रहा हूँ, आखिर है क्या। मैंने डीपली स्टडी किया जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को उस समय बाहर से, उस समय वीडियो वगैरह मिलते नहीं थे, कैफे में जाना पड़ता था, बैठ के वहां पे देखना पड़ता था,
किताबें आती थी, वो किताबें मैंने बहुत सारी पढ़ रखी, आज भी मेरे पास देखें हजारों किताबें। मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक अच्छा स्टूडेंट हूँ आज भी, ये मैं बताता हूँ। तो उस समय मैंने जब किया तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी तगड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पे तो अपने साथ साथ लोगों की करियर बदलेगी। मैंने फिर एमबीबीएस से कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। अच्छा। मुझे लगा कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूँ तो मैं एक एरिया में जाना चाहूंगा, एक एरिया के लोगों की सेहत सही करूंगा। चलिए ठीक है, लोग मुझे एज ए भगवान मानते हैं डॉक्टर को, लेकिन अगर मैं एक अच्छा नेटवर्कर बन जाता हूँ तो मैं करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने का पोटेंशियल रखता हूँ। ये मेरे माइंड में पता नहीं क्यों सेट हो गया। दूसरा, अगर मैं डॉक्टर बनता हूँ तो मैं घर परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेलर बन जाता हूँ तो मैं घर परिवार के कई लोगों को सफल बना सकता हूँ, मैं डायमंड बना सकता हूँ। ये मेरे माइंड में आया। अब बचपना वाला माइंड था, पता नहीं क्या था, ये तो आप लोग बताएंगे। रियल में वो चीज ने मुझे इस इंडस्ट्री में झोंकने के लिए मतलब प्रेरित किया, और मुझे लगा कि पता नहीं ये इंडस्ट्री मेरे से कुछ करवाना चाहती है। उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री की तरफ फुल अग्रसर हो गया। 2012 और 13 के बीच में मैंने ये डिसीजन बनाया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी फुल टाइम करियर के लिए डालना है। अच्छा, सबसे सर रिस्क की बात, मैंने इतनी जिंदगी में क्या किया, मैंने एमबीबीएस क्विट कर दिया। अच्छा। मैंने स्टडी करी, लेकिन मैंने ऐसे नॉर्मल ग्रेजुएशन, और एमबीबीएस कौन से कॉलेज से कर रहे थे? मैं बीएचयू में था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। हाँ, तो मैंने वहीं पे दूसरे साल एडमिशन लिए नॉर्मल कोर्स में। अच्छा। और घर वालों को मैंने आज तक नहीं बताया कि मैंने एमबीबीएस क्विट कर दिया। मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था, वास्ट डिसीजन, मतलब दुनिया ने बोला कि तू दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस में एडमिशन होना अपने आप में बड़ी बड़ी बात थी। बिल्कुल। और उस समय 2012-13 में तो मतलब 10 साल पहले ज्यादा अहमियत थी। कंडीशन ऐसी थी सर, पेपर में आया हुआ था मेरा नाम और मेरे समाज दुनिया सबको पता था। लेकिन ये इंडस्ट्री का बोलते हैं ना कि नेटवर्किंग का भूत जब एक बार चढ़ जाना किसी के ऊपर तो आसानी से नहीं हटता है। तो ये मुझे ऐसा फील आया था, ऐसा हो सकता है परमात्मा लोगों के लिए मुझे लाना चाहता था, इसलिए ऐसा रूप बनाया, क्योंकि बोलते हैं जो होता है अच्छा होता है, ऐसी बात हो सकती है। उस समय मैंने डिसीजन बना दिया, और जब इस इंडस्ट्री में आया तब मुझे पता चला इंडस्ट्री को जितने मैं हल्के में ले रहा था उतना हल्का है नहीं इंडस्ट्री। और उस समय फिर थपेड़े लगने शुरू हुए, स्ट्रगल का पीरियड शुरू हुआ, लोगों से मिलना, बिजनेस की बात करना। अच्छा, मेरा कोई मेंटर था नहीं बनारस के अंदर, मैं मतलब सिंगल था। किसी बंदे ने मुझे अप्रोच किया कि मेरे साथ आ जा, मैं बोला यार मैं पैसा ऑलरेडी एक जगह लगा चुका हूँ तो मैं फिर तुम्हारे साथ दोबारा क्यों जुड़ू। मैंने उसी आईडी पे वहीं से काम करने की शुरुआत करी। 3 साल 3.5 साल 4 साल लगभग मेहनत करने के बाद जब मैंने देखा कि नेटवर्क तो मैंने बना दिया, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ मैं आया था इस इंडस्ट्री के अंदर वो उद्देश्य मेरा पूरा नहीं होते दिखाई दे रहा है, या जिन लोगों को मैं ला रहा था वो उद्देश्य मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। अब देखिए, मैं अगर सर ऐसा होता ना कि मेरी कोई करियर नहीं होती, मेरी मजबूरी बस मैं डायरेक्ट सेलिंग आया होता तो फिर था कि मैं सेटिस्फाइड कर जाता, लेकिन ऑलरेडी मैं इतना बड़ा करियर छोड़ के आया था जहां से मैं करोड़ों नहीं अरबों की इनकम कर सकता था, ये बात मैं भी जानता था और आज भी मुझे पता है कि वो मेरा कोई छोटा मोटा करियर नहीं था जिसको मैंने छोड़ा था। तो छोटी सोच के साथ मैं इस इंडस्ट्री में आया नहीं था, और वो जब चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही थी ना तो मैं बड़ा परेशान हो गया। 2016 में एक दौर ऐसा आया था कि मैंने डिसीजन बनाया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अब नहीं करूंगा, मैं पुनः वापस जाऊंगा, मैंने ग्रेजुएशन पीजी डॉक्टरेट किया हुआ है, मैं रिसर्च करूंगा और अपनी करियर वहां बनाऊंगा। क्योंकि जब मैं पलट के उन हजारों लोगों की करियर की बात कर देख रहा था, उन लोगों को मैं देख रहा था जिन लोगों ने मेरे भरोसे अपनी करियर लगाई थी, तो फिर मुझे लगा कि यार स्ट्रगल करना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, और जो चीज अछूता रह रही है ना उस बात को समझ के फिर से मार्केट में आना पड़ेगा। और उस समय मैंने बहुत एनालिसिस किया, बहुत रिसर्च किया इस इंडस्ट्री के ऊपर, आरएनडी किया, प्लेटफॉर्म सही चूज किया, और उसके बाद आया। एक्चुअल में बोलूं तो मेरा जन्म डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2016 में हुआ। अच्छा। क्योंकि उससे पहले मैं बिना समझे आया था। आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते तो हैं लेकिन बिना समझे आते हैं, तो पहली बार तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पता नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग इस इंडस्ट्री में 3 तरीके से ज्वाइन होते हैं, 90% लोग लपेट चपेट और पेट। लपेट का मतलब कि कोई रिश्तेदार मिल गया, उसने धर पकड़ के बोला यार मेरे साथ आ जा, तो लपेट में आ गए। चपेट मतलब कोई दोस्त यार मिला, बोला यार तूने मेरा साथ हर समय दिया, आज देगा नहीं देगा, निकाल पैसे, तो लोग दे देते हैं। और पेट मतलब कोई ऑप्शन नहीं समझ में आता तो कोई समझा देता है कि 10,000 लगाने हैं, लोग बनाने, पैसा कमाने हैं। लोग तो ऐसे आते हैं, समझ के कोई नहीं आता। रियल में अगर समझ के कोई आए ना तो उसका रूप ही अलग होता है। 2016 में मेरा पुनः जन्म हुआ इस इंडस्ट्री में, मैं रियल बताऊं तो, क्योंकि मैं समझ के आया। मैं हवा में नहीं आया, किसी के बहकावे पे नहीं आया, मैं सोच समझ के डिसीजन बनाया। और उस समय मैंने पढ़ाई को साइड करके फुल टाइम एज ए करियर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करना शुरू किया कि अब जो करना है यहां से करना है, अब मैं डिसीजन बना रहा हूं, ये मेरा परफेक्ट डिसीजन है।
आज मुझे 2016 से लेकर अभी 6 साल के पीरियड में लगभग 10 लाख का नेटवर्क मैंने जनरेट किया है, और सबसे अच्छी बात है कि आज 50 से ज्यादा डायमंड गैलरी मेरे साथ है जो करोड़पति क्लब में है। दैट्स ग्रेट, बहुत इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी अमित जी। लेकिन आपकी स्टोरी में रिस्क भी है कि आपने एक बड़ा डिसीजन लिया MBBS छोड़ने का, और वो कारण बना क्या आपके सक्सेस के लिए, आपको ऐसा लगता है? हाँ सर, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण था, मैंने इसलिए नेक वर्ड वो यूज किया, परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। मैंने जब MBBS छोड़ दिया था और मैंने घर परिवार में बताया नहीं था, तो मेरे पास ना सफल होने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, और इस इंडस्ट्री के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो मेरे पास जब अल्टरनेट ऑप्शन जीवन में नहीं रहे ना, तो मेरा क्या सिंगल माइंड अप्रोच के साथ मैं लगा इस इंडस्ट्री में। मैंने जीवन में कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ और करना है, इसीलिए जितनी भी समस्या आई, जितनी भी मुश्किलें आई, बिजनेस अप हुआ, डाउन हुआ, मैं कभी हिला नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में सफल तो होना चाहते हैं लेकिन 10 ऑप्शन लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसे आता है, प्रॉब्लम कहाँ नहीं आता, मैं बोलता हूँ हर काम में प्रॉब्लम है, हर काम में रिस्क है। जैसे छोटी सी रिस्क आती है, लोग फिर उस अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अपने साथ क्या था, अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था, तो हर प्रॉब्लम को मैं समझता था कि ये पार्ट है, पुल जला के आ गए थे, हाँ उसको तो फिर आगे बढ़ना था। सिकंदर वाली कहानी थी सर, कि उसने जब क्रॉस करता था तो पीछे के जितने भी नाव थे उसको जला दिया करता था, और अपने लोगों से बोलता था कि ये देखो तुम लोगों को वापस जाने का ऑप्शन खत्म हो रहा है, अब या तो जीतो या तो मरो, तो लोग जीतते थे। और अमित जी सिकंदर की तरह आगे बढ़ रहे हैं इंडस्ट्री में। दैट्स ग्रेट सर, कुछ क्वेश्चंस और लेता हूं मैं अमित जी। देखिए, आपने बड़ा डिसीजन लिया 2012-13 में, जब डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत अच्छा माहौल हमारे देश में नहीं था बिल्कुल। गाइडलाइंस भी 2016 में आई हैं, अभी रूल्स अभी 2021 में लास्ट में आए हैं। इस समय तो चीजों में क्लैरिटी है, आपको आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का कैसा लगता है हिंदुस्तान में? अभी सर मैं अगर बोलू हिंदुस्तान में उन हजारों लाखों लोगों के लिए, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारा फ्यूचर है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं सर, ये फैक्ट्स बोल रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स बोल रही है, डाटाज बोल रही है ये बातें। आप देखिए 1980 के दशक में एक दौर था टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंडस्ट्री का, आईटी इंडस्ट्री का। उस समय उन जिन लोगों ने उस इंडस्ट्री में अपने आप को डाला, टॉप लेवल पे हैं आज के समय में। 2000 के समय में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जब मार्केट में आई थी, एक एक स्टीडी पीसीओ खोल के लोग अच्छा पैसा कमा लेते थे, वो दौर था एक, है ना। 2011-12 के समय में जब सोशल मीडिया का जमाना आया, और मैं एक्चुअल बोलूं तो 16 के बाद डायरेक्ट सेलिंग का जमाना आ गया, जब गवर्नमेंट ने इसको हरी झंडी दिखानी शुरू करी, तो अभी के समय में ये ट्रेंड है, और कोई भी इंसान जब ट्रेंड को फॉलो करता है तो वो सफल हो जाता है। तो एक्चुअल देखा जाए तो आज हम इस ट्रेंड में है ना, ये ट्रेंड है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों चीजें हैं, पहला जो लोग अपॉर्चुनिटी गिवर हैं वो लोग भी रास्ता अपना रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का, और जो अपॉर्चुनिटी टेकर हैं वो लोग भी डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता अपना रहे हैं। मेरे पास कुछ डाटाज है जो मैंने कुछ दिन पहले स्टडी किया था, तो मैंने उसको एनालाइज करके निकाला था। WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की फिक्की की कुछ डाटा है, और KPMG की कुछ डाटाज हैं, जिसके अनुसार इंडिया का जो मार्केट है पिछले 2009 से लेके 2025 तक का जो फैक्ट निकाला गया है, 2009 के अंदर 330 करोड़ का टर्नओवर था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और करीब 31 लाख लोग इस इंडस्ट्री से अपॉर्चुनिटी गेन कर रहे थे, अचीवमेंट लगातार ले रहे थे। 2013 में अगर आप देखेंगे तो ये डाटा लगभग इंक्रीज किया, लगभग 720 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जाना शुरू हुआ, और 48 लाख लोग इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी गेनर थे, जो लोग मतलब अच्छी इनकम करना शुरू कर दिए थे। 2017 के अंदर लगभग 10,551 करोड़ का टर्नओवर रहा, जिसमें 51 लाख लोग लगभग इन्वॉल्व हुए, 5 मिलियन से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। 2020 के डाटा के अनुसार 16,000 करोड़ का टर्नओवर इंडिया के अंदर रहा है, जिसमें 74 लाख लोग इन्वॉल्व रहे हैं। 2021 के अंदर ये डाटा लगभग हिट किया 18,000 करोड़ का, जिसमें 79 लाख लोग इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हुए। एपिडेमिक के अंदर दुनिया की जहां सारी इंडस्ट्री ध्वस्त हुई, अगर एक एनालाइजिंग डाटा को देखा जाए तो नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट उस समय सबसे ज्यादा था। और आगे फ्यूचर की अगर बात की जा रही है, तो फ्यूचर के अंदर KPMG का डाटा बताता है कि 2025 तक हम लोग 64,500 करोड़ का लगभग टर्नओवर को हिट करने वाले हैं, और करीब 1,81,00,000 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने वाली है।
यानी ये जो सिग्नल 2009 से लेके 2025 तक का जो सिग्नल है, ये ग्रोथ रेट, ये एक बहुत बड़ा सिंबल है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बड़ा है। बाकी मार्केट में बोलने वाले लोग जो भी बोले, लेकिन इस डाटा को अगर आप एनालाइज करके देखेंगे तो खुद समझ में आता है कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना बड़ा है। अभी 2014 में जब बीजेपी की इस गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टार्टअप चलाए थे, मेक इन इंडिया के नाम पे, डिजिटल इंडिया के नाम पे, स्टार्टअप के नाम से, व्यूमेन एम्पावरमेंट के नाम से। आज अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 60% इन्वॉल्वमेंट लेडीज का रहा है, मतलब व्यूमेन एम्पावरमेंट के नाम पे 60% ग्रोथ इस इंडस्ट्री की तरफ से रहा है। तो आज न सिर्फ केवल डाटा की बात की जा रही है, अगर सरकार के जो सुचारू रूप से चलाए जाने वाले जो तरह तरह के उद्देश्य हैं जिससे देश को डेवलप करने की बात की जा रही है, तो कंट्री के डेवलपमेंट में भी इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहा है। और आप नॉर्मल तरीके से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आज आप देखिए, पैसा कमाने के सब दो ही रास्ता है, या तो जॉब कर लो या तो बिजनेस करो। अच्छा, आज अगर मैं जॉब की बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर केवल 27% का एम्प्लॉयमेंट रेट है, 27%। थोड़ा सा अगर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को अगर मैं ऐड करूं तो 3% और ऐड होते हैं। हर साल करीब 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, मैं नॉर्मल अनपढ़ लोगों की बात कर ही नहीं रहा हूं, 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर मार्केट में आ रहे हैं। और आप देखिए 27 लाख लोगों को रोजगार है, और 3% का ये ऐड करें तो लगभग 30 से 32% 35 लाख लोगों का रोजगार है, यानी 70 लाख लोग हर साल बेरोजगार हो गए। क्यों? एक ही ऑप्शन है, उनके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि जिन्होंने ग्रेजुएशन लिया उनके अंदर टैलेंट की कमी है, इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब चाहे गवर्नमेंट सेक्टर चाहे प्राइवेट सेक्टर, जब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं तो लोगों को रोजगार मिलेगा कहां से? आज हालत ये है कि लोग के पास जॉब की सिक्योरिटी नहीं बची है। किसी भी कंपनी के अंदर कोई जॉब कर रहा है, अगर वो हाई सैलरी पेड है तो उसके रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा। आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है जो अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी के टॉप लेवल पर बैठे हैं, जिनकी सीटीसी 1CR से ऊपर है, वो लोग हमेशा बताते हैं कि जाएगी ये कुछ नहीं करना, परफॉर्मेंस 1% ढीला हुआ क्योंकि हमारे जैसे 10 लोग मिल जाएंगे इस सैलरी पे। तो ये जॉब इनसिक्योरिटी है लोगों के पास, टैलेंट होने के बाद भी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी की कमी है। अब वो अपॉर्चुनिटी आज के डेट में कैसे मिल सकता है? कोई बोलता है बिजनेस कर लेंगे, लेकिन आप देखिए सर, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। क्या इन 70 लाख लोगों के पास पैसा है? और ये मैं हर साल की डाटा बता रहा हूं, अगले साल जो 70 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं और अगले साल बढ़ रहे हैं, इसको कोई नहीं पाट सकता है, केवल अपॉर्चुनिटी की कमी से। ये अपॉर्चुनिटी बिजनेस से मिल सकता था, लेकिन उसके लिए क्या है, पैसा लगाना पड़ेगा जो सबके पास है नहीं, रिस्क है, मार्केट की कंपटीशन को आपको बीट करना पड़ेगा जो इतना आसान नहीं है मार्केट की कंपटीशन को बीट करना। तो फिर लोग करे तो करे क्या, लोगों के पास ऑप्शन क्या है? ऐसे लोगों के लिए सर मैं बोलता हूं हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन लेके आ रहा है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि सर यहां इन्वेस्टमेंट नहीं है, दूसरा यहाँ पे कोई टैलेंट की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम होता है जो लोगों को टैलेंट देता है, यहाँ पे किसी मैन पावर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सर कोई किसी से भेदभाव नहीं पूछा जाता, क्या जाति है आपका, क्या क्वालिफिकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता, और एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देती है प्लेटफॉर्म। कितने लोग सफल होंगे मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन ये इंडस्ट्री जो करोड़ों लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बना के दे रही है ना, ये प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि देश के लिए एक बहुत बड़ा काम करने वाला है जो प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलर दे सकता है। जैसे सर एज ए डायरेक्ट सेलर अगर हम लोग बात करें तो सर हमारे पास करोड़ों लोगों को देने के लिए प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से जो करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म है। और सर आज बोला जाता है कि जिस चीज की स्कार्सिटी हो फ्यूचर उसी का होता है, तो सर प्लेटफॉर्म की स्कार्सिटी और प्लेटफॉर्म देता है डायरेक्ट सेलिंग है तो फ्यूचर तो 100% है। ये बात लोगों को समझना चाहिए। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत डिटेल में आपने बताया अमित जी, थैंक यू सो मच। आपने सर 10 लाख लोगों की टीम खड़ी की, जो मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है, और टीम खड़ी करने के लिए लोगों को प्लान दिखाना पड़ता है और लोग जुड़ेंगे तभी टीम खड़ी होगी। तो सही तरीका क्या है, ऐसे कैसे प्लान दिखाने की बंदा लाइन में लग के ज्वाइन होने के लिए तैयार होते हैं? देखिए प्लान दिखाने का सर एक जो रियल सिस्टमेटिक तरीका होता है ना, अगर उसको फॉलो किया जाए तो रियल में लाइन लगती है। मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने आज तक अपने जीवन में जिसको भी प्लान दिखाया है 10 में से 8 लोग ज्वाइन हुए, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। मतलब 1-2 तो हिल जाए वो बात अलग है, लेकिन 10-8 का रिकॉर्ड रहा है मेरा, 8-10 का रेशियो मेरे जिंदगी में। क्योंकि प्लान दिखाना सर एक बिल्कुल कला है, प्लान में आप क्या बोलते हैं मायने नहीं रखता है, आप कैसे बोलते हैं ये मायने रखता है। अगर एज ए डायरेक्ट सेलर मैं किसी को समझाना चाहूं तो प्लान दिखाने के सर 3 फेज होते हैं। आप प्लान दिखाने से पहले क्या कर रहे हैं, प्लान दिखाते समय क्या कर रहे हैं,
और प्लान के बाद आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, ये तीनों का जब समावेश होता है तब एक परफेक्ट प्लान होता है। जैसे आप किसी को भी प्लान दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका अपॉइंटमेंट हमें क्लियर कट लेना चाहिए। सबसे पहले हमने अपॉइंटमेंट लिया और टाइम से हम उसके पास पहुंचते हैं। कई लोग क्या रोड पे खड़े होकर प्लान बताने लगते हैं कि हमारा 70 करोड़ है, ये 5 करोड़ है, ये यही चीजें तो डायरेक्ट सेलिंग को खराब कर रही है, लोगों की नजर में बेकार कर रही है। सर, आप करोड़ों की अपॉर्चुनिटी बिना एकांत में बैठ के डिस्कशन किए नहीं समझाना चाहिए किसी को भी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप प्लान बताने के लिए किसी को जाए तो आपका ड्रेस कोड बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जितना अच्छा से अच्छा ड्रेस कोड अगर आप यूज करके जाते हैं, क्योंकि आप किसी को एक विजन देने के लिए जा रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हैं, तो यू शुड लुक लाइक अ अपॉर्चुनिटी गिवर। आपको वैसा दिखना चाहिए तभी लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ये होती है कुछ चीजें जो हमें प्लान से पहले करना होता है। अब जब आप किसी को अपना प्लान देने के लिए जाएं, तो चाहे किसी भी कंपनी का प्लान हो, प्लान करते समय तीन पार्ट होती है। सबसे पहला होता है कंपनी का प्रोफाइल, जो आपको डिटेल में बताने की जरूरत है। दूसरा, किसी भी इंसान की जिंदगी में एक हुक पॉइंट होता है, जो अपने जीवन में क्या चाहता है। अब सर, आज आपको शूज चाहिए, लेकिन मैं अगर आपको कपड़े बेचने की कोशिश कर रहा हूं तो आप नहीं लेंगे। लोग गलती यही करते हैं कि जाते हैं आंख बंद करके फटाफट फोल्डर खोल के बताना शुरू कर देते हैं। आपको प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर जानना पड़ेगा उस इंसान का, कि क्या है वो आपसे क्या चाहिए होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्लान में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी को यहाँ से मिलने वाले मान सम्मान चाहिए, किसी को जीने का एक मकसद चाहिए जो इंडस्ट्री देता है। तो अलग अलग चीजें हर लोगों के लिए होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, आपको अपना फोल्डर खोलने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान का प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, उस पर बात करना चाहिए। और उसके लिए 5 से 10 मिनट का एक स्लाइड इंट्रोडक्टरी चैप्टर जरूर होना चाहिए कि अगर मैं आपके पास गया तो सबसे पहले बैठने में आपके साथ एक हार्टली कनेक्शन होना। जब तक ये कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक प्लान बताने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको किसी के पास गए और कोई आपसे बोल रहा है कि नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट बता दो, तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे लोगों से बोलिए कि भाई साहब अगली बार मिलते हैं, दोबारा बात करते हैं हम लोग, ये काम ऐसा नहीं है कि हम आपको 2 मिनट के अंदर समझा दें। ये ज्यादा अच्छा है। लोगों को लगता है कि मेरा गेस्ट बर्बाद हो जाएगा। गेस्ट कोई बर्बाद नहीं होता, अगर आपने गलत तरीके से समझाया तो आपने उसको खराब किया। तो अच्छे से पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, दोनों की मेल मिलाप होनी चाहिए, उसकी प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर को आपको पकड़ना पड़ेगा, और तब प्लान की शुरुआत होनी चाहिए। प्लान तो बहुत सिंपल है, चाहे किसी भी कंपनी का प्लान हो, प्रोफाइल बताते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं और बिजनेस प्लान बताते हैं, चाहे जो भी बिजनेस प्लान हो। बिजनेस प्लान जब भी आप किसी को बताएं तो उस प्लान का जो पैसे आप बता रहे हैं, उस पैसे का उसकी जिंदगी में क्या यूज है, ये जरूर कनेक्ट करना चाहिए। जनरली लोग नहीं करते हैं, ये टूर है, ये करोड़ रुपए है, ऐसे नहीं है। वो करोड़ रुपए का उसकी जिंदगी में क्या फायदा है, रियल वो करोड़ों का फायदा है भी या नहीं है। अगर नहीं है, वो किसी और के लिए करना चाहता है, तो उससे कनेक्ट करके प्लान में समझाने की जरूरत है, ये ज्यादा अच्छा होता है। और जब प्लान क्लोज हो जाए तो आपको कैलकुलेशन पे जरूर बात करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में लोग डाटा पे ज्यादा विश्वास करते हैं, कैलकुलेशन पे, ग्रोथ फैक्टर पे ज्यादा विश्वास करते हैं। कैलकुलेशन आपको जरूर बताना चाहिए, कुछ टेस्टिमोनियल जरूर बताना चाहिए। वो इंसान जिस प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर से प्रेरित है, जो उसका मेन फैक्टर है, उससे रिलेटेड कुछ अगर एग्जांपल आपके इंडस्ट्री में है तो वो बताने से दे विल कनेक्ट बाय हार्ट। वो आपके साथ एक दिल से कनेक्ट होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एंड आफ्टर प्लान तुरंत क्लोजिंग जरूर होना चाहिए। कई लोग प्लान करके क्लोजिंग ही नहीं करते, प्लान करके मुंह देखते हैं अपने गेस्ट का, तो क्या क्लोजिंग गड़बड़ हो जाती है। आपने पूरी मेहनत करी, फसल खड़ी हुई, लेकिन फसल अगर काटेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो प्लान के लास्ट में क्लोजिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्लोजिंग हमेशा क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर प्लान कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन होने चाहिए। कैसा लगा नहीं, अच्छा या बहुत अच्छा, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन हम लोग किया करते थे। प्लान में क्या अच्छा लगा आपको, हाँ क्या अच्छा लगा, ऐसे पूछ सकते हैं। तो अगर उसने बोला अच्छा लगा तो सर चलिए बधाई हो, शुरुआत करते हैं। आपको अपना प्रपोजल सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ जी चलो मेरा शुरू कर दो। आपको प्रपोजल रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट अगर तब उसके कुछ डाउट हैं तो आगे पार्ट होता है जिसको हम ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन करके अपने प्लान को क्लोज करना होता है। ये तीन पार्ट को अगर बारीकी से कोई करेगा ना तो उसका प्लान सर 100% परफेक्ट। वंडरफुल, क्या बात है सर, अमेजिंग। बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चन हैं अमित सर, लेकिन समय की लिमिटेशन है तो एक दो क्वेश्चन लेता हूँ। अजीत मिश्रा ने लिखा है, हर समय मोटिवेट रहने के क्या उपाय हैं। सर, हर समय मोटिवेट रहने के लिए सबसे पहले तो अजीत मिश्रा जी को मैं बोलना चाहूंगा, इंसान को मोटिवेशन उसकी ना रियल गोल से मिलती है। अगर आपकी जिंदगी में आपके रियल इमोशनल गोल मिल गए ना,
तो आपको फिर मोटिवेट रहने के लिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने किसी भी जगह में दुनिया का कोई भी काम कर रहे हों, समस्या हर काम में आती है। और जनरली मोटिवेशन की बात तब आती है जब इंसान उस काम को करने के बाद सफल नहीं होता, थक जाता है, उसका मेंटल स्टेटस उसको हमेशा बोलने लगता है कि भाई अब नहीं हो सकता, तो ऐसे में डिमोटिवेट होता है इंसान। लेकिन अगर आपका अपना कोई रियल गोल होना तो आप जीवन में कभी भी डिमोटिवेट नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो अजीत जी को मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपना सेल्फ गोल बनाइए, और इमोशनल गोल, अगर वो गोल आपके किसी इमोशन से जुड़ा हुआ हो तो फिर वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इमोशनल गोल इंसान को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देता। सबसे नंबर वन चीज। नंबर टू, परमानेंट मोटिवेशन तब आएगी जब आपके अंदर एजुकेशन रहेगी। आप मार्केट में अगर बिना एजुकेशन के जाते हैं, कोई भी बच्चा है बिना पढ़ाई की अगर एग्जाम में चला गया तो क्या नर्वस फील करता है, लेकिन अगर उसने तैयारी किया है तो वो जाएगा तो अपने आप को पूरा एकदम तंदुरुस्त फील करता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसा होता है, लोग जाते हैं मार्केट के अंदर लेकिन अगर एजुकेशन अच्छी लेके नहीं जाते हैं तो पता चलता है कि वो जाते हैं लोगों को प्लान देने के लिए और खुद प्लान सुनकर दूसरा आ जाते हैं, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको इस इंडस्ट्री की एजुकेशन बहुत अच्छे से लेने की जरूरत है। अपना गोल और एजुकेशन, ये दो चीज अगर आप सही करके मार्केट में उतरेंगे तो आपके अंदर अपने आप मोटिवेशन आएगी। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप और इसके बाद भी मोटिवेट रहना चाहते हैं तो सर का चैनल है, आप उसको जब भी मन करे खुल के देखिए, क्योंकि जब हम अपने जैसे लोगों को वहां पे देखते हैं तो वहां से मिलने वाली जो लोग से की जो फीडबैक होती है, लोगों की जो हिस्ट्री होती है, लोगों का जो लाइफ का की जो बातें होती है, वो सुनने के बाद अपने आप एक मोटिवेशन आता है। दैट्स इट, वंडरफुल सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं और ये आज के समय का बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है मित्र सर। हमारा वीकेंड ने ये प्रश्न पूछा है, आजकल क्रिप्टो बेस्ड बहुत सी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर मेरा राय माने तो क्रिप्टो करेंसी एज ए डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है, फॉरेन में कई जगह डॉलर चलता है, दुबई में धीरम चलता है, वैसे कई लोगों ने मिलके इसको एक करेंसी बना दिया, क्रिप्टो करेंसी, जिसका अलग अलग लोग नाम दे देते हैं, बिटकॉइन, वन कॉइन, ये नाम है, ये मतलब एक हवा है रियल में देखा जाए तो। जैसे वर्ड इन्वेस्टमेंट आता है ना सर, तो मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट वर्ड को डायरेक्ट सेलिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री में आम क्लास के लोग जुड़ते हैं, नॉर्मल क्लास के लोग जुड़ते हैं। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजों को नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व कर दिया तो जहां भी इन्वेस्टमेंट है वहां रिस्क फैक्टर है हमेशा। अगर लॉस होता है तो चलिए आप अपना लॉस तो बियर कर सकते हैं, लेकिन उन हजारों लोगों का जो आपने पैसा लगवा दिया उसका लॉस कौन बियर करेगा? और बाद में मैंने अक्सर देखा कि ऐसे लोग जो चंद पैसों के लालच में अपने और अपने लोगों का पैसा लगवा देते हैं वो बाद में कहीं के नहीं रहते। तो सबसे पहले तो ये चीज ही इलीगल है। नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट कभी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा था ही नहीं। नेटो मार्केट इंडस्ट्री सर का कॉन्सेप्ट बेबीलोन की जब सभ्यता आई थी उस समय भी एक रूल्स बना था, उसमें हमुराबी रूल्स बना था और वहां के लोग पेडलर बोले जाते थे उस समय, वहां से बनाया गया था ऐसा कॉन्सेप्ट। तो तब से लेके आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी भी इन्वेस्टमेंट वर्ड तो ऐड हुआ ही नहीं, लेकिन यहाँ पे लोग उसको ऐड कर देते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि गवर्नमेंट भी बहुत जल्दी इस पे एक्शन करने वाली है और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत लोग खराब हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा सर जो ये इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पड़ने के बाद ऐसी लेबिलिटी में आगे सुसाइड करने के चक्कर में पड़ गए। तो भाई कल के डेट में परिवार समाज के सामने मुंह ना दिखाने से अच्छा है कि आज आप बच के रहिए और इन चीजों से दूर रहिए। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम है जहां पे ब्लैक पैसे को व्हाइट करने के लोगों ने एक करेंसी बना के रखा है कि फॉरेन में इस करेंसी को इतना में खरीदो, यहाँ पे ये करेंसी बेचो तो इतने कैश यहाँ पे डिलीवर हो जाएंगे। बहुत सारे इसके पीछे स्कैम चल रहा है, तो इन स्कैम से डायरेक्ट सेलिंग को दूर रखना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग दिल वालों का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग नॉर्मल क्लास का बिजनेस है। यहाँ पे गरीब तबके के लोग आते हैं, मिडिल क्लास के लोग आते हैं, सपने पूरे करने वाले लोग आते हैं, लूटने और सपने पूरा करने वाला है। अमित सर क्या रहता है कि जब ये इस प्रकार की कोई भी स्कीम आती है ना, लुभावने, पहले बहुत सारी चीजें आती रही है तो वो एक अट्रैक्टिव अमाउंट देती है। हाँ। और जो अमाउंट जब दिखता ना आदमी को तो फिर वो सारे के सारे फैक्ट भूल जाता है। इनके प्लान भी सर बड़े आसान होते हैं क्योंकि इसमें लालच फैक्टर होता है, लालच फैक्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। हम अगर एक प्रोडक्ट बेस में मेहनत करते हैं ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन लालच फैक्टर एक क्विक डिसीजन बना के लोगों को देता है। लेकिन वो बोलते हैं कि अभी लालच किए तो बाद में पछताएंगे। तो जो लोग, और इसमें मैं अक्सर देखा हूं ऐसे लोग ही इन्वॉल्व होते हैं जिनका अपना कोई जागीर नहीं होता, जो मतलब इंसानियत को बेच खाए होते हैं और ये सोचते हैं कि बस किसी भी तरीके से लोगों से पैसा ले लेना है, ये वाली बात है।
अगर आपको करना है इन्वेस्टमेंट करना है, आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन इसको डायरेक्ट सेलिंग में जोड़ना ये 100% गलत है मेरे। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल नहीं हो, आपने अगर रिस्क ले भी सकते हैं तो इंडिविजुअल रिस्क अपने लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा है आप लीजिए रिस्क, लेकिन लोगों का पैसा आप अपने भरोसे लगा दे रहे हैं, जबकि आपको खुद नहीं पता है कि कल कॉइन की वैल्यू ऊपर उठेगी या गिरेगी, ये किसी को नहीं पता, ये तो रेगुलेट किया जाता है कहीं एक से। मैं हूं सर ऑनर, या हम 10 लोग ऑनर है, हम 10 लोग मिलकर मीटिंग की, हमने कॉइन की वैल्यू बढ़ा दी या घटा दी, आप क्या कर लेंगे, ये तो बहुत बड़ा सर्कुलेशन चल रहा है। तो इसमें आम लोग जिसको कोई नॉलेज नहीं है, केवल ये लालच दिखा के अभी 10-10 हजार लगा दे तेरे पैसे डबल हो जाएंगे या 10 लाख मिल जाएगा, 1 लाख मिल जाएगा, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी इंडिविजुअल लेवल पे सबकी जिसका मन है वो करे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं लोग, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में इसको इन्वॉल्व करना ये 100% गलत है मेरे अनुसार। थैंक यू सो मच अमित जी, आपने बहुत क्लैरिटी लेके आई, ये बहुत एक ज्वलंत क्वेश्चन है, इंडिविजुअली भी लोग पूछते हैं। थैंक यू सो मच अमित सर, आपने बहुत सारी चीजें बताई, आपकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने का है, और उसके बाद में प्लान के बारे में बहुत डिटेल में आपने बता दिया कि वैसे करके 10,000 लोगों की एक टीम खड़ी की जा सकती है, और लास्ट में क्रिप्टो के बारे में बताया। आपके पास में बहुत अच्छा विजडम है अमित जी, आपकी बहुत सारी वीडियो मैंने देखे, एक्चुअली आने से पहले मैं थोड़ा होमवर्क करता हूँ तो बहुत लेट भी हो गया रात को सोने में, अमित जी की वीडियो देख रहा था, सो बहुत अच्छा कंटेंट है आपका, और इसी प्रकार से बस मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपका एक बहुत बड़ा लेवल और बहुत बड़ा मुकाम है, तो अभी हम लोग सिर्फ कंपनी के लिए काम नहीं करें, हम लोग इंडस्ट्री को ध्यान में रख के हम लोग काम करें, इंडस्ट्री को एक बेहतर बनाएंगे और ऐसा अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे ताकि सभी अच्छी कंपनियों को काम करने में, मिलने जुलने में बहुत अच्छा महसूस हो, और ऑलरेडी आप उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। सो आप आए, समय निकाला, दिल की गहराई से पूरे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये एक छोटा सा हमारे व्यूअर्स की तरफ से एक छोटी सी भेंट आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो ये थे अमित दुबे जी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत उभरता हुआ नाम और एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, एक बड़ा डिसीजन लिया, और बड़े डिसीजन लेके ही कुछ बड़ी अचीवमेंट प्राप्त होती है लाइफ में। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे आप किससे मिलना चाहते हैं, किन लोगों को आप सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में उनके नाम लिखिए, और हमेशा हम आपसे अनुरोध करते हैं आप अपनी कंपनी का नाम मत लिखिए, और आप हमेशा उसका पालन करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अगले मंगलवार को फिर मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।